नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं कच्चा छीनालू ली हूँ, मैं इसको छील के अच्छे से धो के साफ कर लिया। आज मैं इसके आपको एक बेहतरीन नाश्ता बना के बताऊंगी। आलू को मैंने काट दिया, इसको छोटा छोटा टुकड़े में काट लेना है। आलू को मैंने अच्छे से काट लिया है, अब मैं इसको उठा के बोल में रख दूंगी और इसको अच्छे से एक बार ठंडे पानी से साफ करूंगी। मैंने सस्पेन में पानी रखा है, आधा सस्पेन, और मैं इसमें एक चुटकी नमक डाल दूंगी और आलू को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 5 से 7 मिनट आलू को मैं इसमें पकाऊंगी। आलू को पूरा पकाना नहीं है, थोड़ा कच्चा ही रखना है, थोड़ा पक जाए थोड़ा कच्चा ही रहे। आलू के पकने तक आप इंतजार करिए, आगे मैं देखूँ। पहले आलू मेरा आधा पक चुका है और उसको मैं आधा कच्चे में ही निकालूंगी। इससे मैं छान लूंगी, इसका पानी एकदम अच्छे से निकाल लूंगी। मैं इसको एक बोल में निकाल लूंगी, पानी सारे निकाल देना, पानी एक नहीं रहना चाहिए। मैंने सारे पानी को निकाल दिया, आलू को ले लिया से। मैंने मिक्सी जार लिया है, आलू को जो मैंने निकाला अभी उबाल के उसको इसमें अच्छे से डाल दूंगी। और एक छोटी प्याज कटी हुई मैंने 4 टुकड़े में कर लिया है, मैंने उसको भी इसमें डाल देना है। और 1 चम्मच अरारोट मैं उसको भी इसी में डाल दूंगी। 1 चम्मच ही अरारोट लिया मैंने और इसका ढक्कन लगा के अब मैं इसको मिक्सर में पीसूंगी। आलू को मैंने एकदम पतला सा बारीक इसको पीस दिया है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है तो इसलिए मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब मैं इसको अच्छे से इस बोल में निकाल दूंगी मिक्सर के जार से। थोड़ा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार और डालूंगी थोड़ा सा इसमें ओरिगेनो, हल्का ही डालूंगी मैं इसे चिली फ्लेक्स टेस्ट के लिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, चम्मच से अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पे मैंने पन्नी लिया है, पन्नी कप के अंदर पन्नी डाल दिया है। अब मैं इसको इसमें थोड़ा सा डालूंगी, मैंने इतना डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से उठा लूंगी, एकदम अच्छे से उठा लिया, फोन बना दिया मैंने। अब मैं इसको एक हाथ के हिसाब से इसको थोड़ा टाइटली बंद कर दूंगी ताकि इसका मुंह खुले ना। ये टाइटली बंद कर दिया, आप चाहे तो रबर बैंड लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, हाथ से ही आप इसको संभाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव का प्लेट ली हूँ, उसके ऊपर मैंने लगाया बटर पेपर। अब मैं इसका कोना कैंची से काटूंगी, अब मैं इसको थोड़ा सा कैंची से काट लूंगी। अब मैं इसको आराम आराम से छोटा छोटा रखती जाऊंगी। मैं इसको देख पा रहे हैं, बटर के ऊपर मैंने गोल गोल रख दिया था। अब मैं इसको ढक्कन से थोड़ा पतला पतला कर दूंगी आराम से, ये सारे एकदम पतला देख पा रहे हैं। मैंने अच्छे से एक बटर के ऊपर बटर के ऊपर मैंने इसको रखा था, अब उसके ऊपर डबल बटर पेपर डाल के अच्छे से मैंने ढक्कन से इसको कर दिया। अब मेरा माइक्रोवेव गर्म हो चुका है, अब मैं इसको आराम से माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया बटर पेपर के साथ। अब मैं इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ, 10 से 12 मिनट इंतजार करेंगे, एकदम बनके रेडी हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 12 से 15 मिनट मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा था, ये फर्स्ट क्लास चीज बनके रेडी है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ, एक देखिए फर्स्ट क्लास करारा, दूसरा फर्स्ट क्लास करारा, तीसरा फर्स्ट क्लास करारा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा एकदम करारेदार बन के एकदम रेडी है। अब मैं इसमें पहरी पहरी मसाला डालूंगी, एकदम फर्स्ट क्लास बना करके इसको चाय के साथ में खाएंगे। अगर मेरा चिप्स आपको अच्छा लगता है तो मेरे लिए लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।